अपने आप को दोष मत देना और निंदा ना करना, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, डिप्रेशन यह बीमारी अभी काफ़ी लोगों में है। 10 से 15% लोग अभी डिप्रेशन के बीमारी से ग्रस्त है, और जब हमें उनको पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, दवा के अलावा हम जब उनके हाथ में साइकोथेरेपी करते हैं, काउंसिलिंग करते हैं, तो उनमें दिमाग में कुछ तो भी चालू रहता है ऐसा मालूम पड़ता है हमको। एक तो ऐसा लगता है कि उनको बार बार विचार आता है कि हम में कुछ तो भी गड़बड़ है, ऐसा उन्हें लगता है, मेरे में कुछ तो भी गड़बड़ है, या मैं अधिक लंबा हूँ, या अधिक मोटा हूँ, या अधिक पतला हूँ, या अधिक मूर्ख हूँ, या अधिक बदसूरत हूँ, या अधिक बूढ़ा हूँ, या मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जितना जितने लोग हैं, या मेरे में कुछ तो भी कमी है, ऐसा लोगों को लगता है, कुछ तो भी कमी है। फिर वो अपने आप को, अपने आप की निंदा करते हैं, अपने आप के ऊपर गुस्सा करते हैं, फिर लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं कि नहीं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, ऐसा लगना कि भाई लोगों से मुझे खतरा है, या मुझे ऐसा लगना कि लोग मुझे कुछ तो भी कर देंगे, या मुझे लोगों में मतलब ऐसा कुछ भी हो जाएगा कि लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा लगना, ये सब जो है ना, ये सब विचारों की बीमारी, विश्वास की बीमारी है। लोग अपने आप को स्वीकार नहीं करते, अपने आप के ऊपर प्यार नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ी है और मैं इतना अच्छा नहीं, और मेरे को बदलना है। हर व्यक्ति अपने आप को बदलने के चक्कर में है, वो जैसा है वैसा खुद को स्वीकार नहीं करता, वो अपने आप की निंदा करता है, अपने आप को दोष देता है, और फिर बहुत गड़बड़ी हो जाती है, और फिर डिप्रेशन आ जाता है। एक तो उनको एंग्जाइटी होती है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मुझे फ्यूचर के बारे में जो भी मुझे सोचना है, जो भी करना है फ्यूचर में, वो होगा नहीं करके टेंशन चिंता ऐसा हो जाता है उनको, या फिर जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ उसके बारे में उनको डिप्रेशन आते रहता है। तो मुझे डिप्रेशन के लोगों को ये बोलना पड़ता है कि अपने आप को कोई भी किसी भी कारण के लिए अपने आप को दोष मत देना, कुछ भी हो जाए, और अपने आप के ऊपर प्यार करना अनकंडीशनली, अपने आप को स्वीकार करना, क्योंकि हमने मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। और हम बोलते हैं कि लाइफ जो है ना, जीवन जो है वो अभी है, आप कभी अपने आप को बदल नहीं सकते, आप जितनी बदलने की कोशिश करेंगे उतना वैसे ही रह जाएंगे। तो अपने आप को बदलो मत, जैसा है वैसा स्वीकार करो, और इस क्षण में आप जीते हो, राइट नाउ, ये अभी जीवन चालू है, वहाँ यदि जीते हो तो फिर अपने आप को कोई प्रॉब्लम आएंगे नहीं। कुछ डिप्रेशन के लोग मोटे होते हैं, मोटे खाके, कुछ डिप्रेशन के लोग बहुत दुबले पतले होते बिना खाके। जो डिप्रेशन के लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता लगती है, इनसिक्योरिटी है, या उनके मन में डर लगा रहता है, तो फिर उसमें वो अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत खाते रहते हैं और वो मोटे हो जाते हैं। हमको लगता है कि डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको कैसा क्या इतना खाना जाता है। जो भी लोग वैसा तो जो भी लोग मोटे हैं और वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, खाने में कंट्रोल ला रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं होने वाला। ये देखना पड़ेगा कि जो भी मोटे लोग हैं उनके दिमाग में असुरक्षा की भावना कहाँ है या डर कहाँ है, और जब डर और असुरक्षा है तो फिर अपने आप के प्रति वो ऐसा कवच तैयार करने में लगे रहते हैं, और वो कवच मतलब ज़्यादा जितना मोटा हो उतना सिक्योर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा खाते और मोटे हो जाते हैं। कितने सारे मोटे लोग डाइट के साथ साथ यदि वो दिमाग में लाएंगे कि भाई नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और मैं अनकंडीशनली खुद का स्वीकार करता हूँ, नंबर दो असुरक्षितता की भावना जो है, इनसिक्योरिटी की भावना और डर, यदि उसको वो प्रेजेंट हो जाते हैं तो फिर मोटापा फटाफट कम हो जा सकता है, वजन कम हो जाएंगे और दुबले पतले हो जाएंगे। तो ये डिप्रेशन में भी पॉसिबल है, मोटापे में भी पॉसिबल है। तो ये है कि अनकंडीशनली एक्सेप्टिंग द सेल्फ, द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट, आप जैसे हैं वैसे हैं और जैसे नहीं वैसे नहीं है, आप प्रेम योग्य है, अपने आप के ऊपर प्यार करना ये चालू करेंगे तो डिप्रेशन कुछ दिनों में ही खलास हो जाएगा और अपना जीवन आप अच्छी तरह से जी पाओगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।